जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पे हम आए हुए हैं और मीडिया गाइड से यहाँ पे, फिल्म का नाम है गुंजन और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड रेशम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। ग्रेट, माशाल्लाह। वैसे ही बहुत ग्लैमरस हैं, हम जैसे ही आते हैं तो फिर एक ब्राइट, एक रोशनी जो है नज़र आती है। सो इतना डिफरेंट रोल, हमेशा ग्लैमरस में आपको देखते रहे हैं, स्टाइल में देखते रहे हैं, न्यूज़पेपर ओनर अभी सीरियस, मतलब कैसे एक्सेप्ट किया इतना डिफिकल्ट रोल? मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट के लिए जब मेहनत करने वाला जो आर्टिस्ट होता है और उसको कैरेक्टर को जो पता हो कि आपने कंसीव कैसे करना है, क्योंकि कैरेक्टर में समझती हमेशा ओढ़ के पहन के किया जाता है, जो मैंने हमेशा किया है कि रेशम नज़र ना स्क्रीन पे, वो किरदार नज़र आए। तो एक आर्टिस्ट के लिए ये मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ये कोई मुश्किल नहीं है जो करने वाला हो। तो हाँ, मेहनत ज़रूर की है, बहुत ज़्यादा की है, जो स्क्रीन पर नज़र भी आएगी। तो इतने सालों के बाद तो बनता था ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट, दिस फिल्म आफ्टर 15 ईयर्स। तो इस दौरान मुझे ऐसा नहीं है मुझे फिल्में ऑफ़र नहीं हुई। आई ऑफर्ड मैनी फिल्म्स, मैनी कैरेक्टर्स, बट नन इंस्पायर्ड मी एज एन एक्ट्रेस। तो इस फिल्म में मुझे बहुत कंटेंट ने इंस्पायर किया, क्योंकि इसका कंटेंट जो है वो, देखिए कहानी अच्छी हो ना, वही आपको मजबूर करती है कि यानी आप ये कर लें। तो शोएब साहब ने जब मुझे कहानी सुनाई, सबसे पहले मैंने पूछा कि हीरो कौन? मैंने कहा अहमद अली अकबर। मैंने कहा मुझे कहानी बाद में सुनाइए, पहले मुझे ये बताया अहमद अली अकबर ही कर रहे हैं ना ये फिल्म? तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन थी फिल्म की, सबसे पहले तो थी, हालांकि कहानी होती है, कहानी मैंने बाद में सुनी, लेकिन मैंने जब अहमद अली अकबर का नाम सुना कि मेरे ऑपोजिट वो कर रहे हैं काम, क्योंकि मेरा सारा काम उनके साथ है। तो क्योंकि ये सर्वर जो है एक अखबार रन करती है और एडिटर है, और इसका यही मकसद है कि ये सच और हक़ की बात लोगों तक पहुंचाए। तो जो शहबाज भट्टी है, अहमद अली अकबर जिस रोल को अदा कर रहे हैं, वो शहबाज भट्टी का है, क्राइम रिपोर्टर है, मेरे अंडर काम करते हैं। तो वो भी, मैं भी इनका साथ देती हूँ सच तक, सच क्या है उसको, सच तक बात को पहुँचाने में, तो सच को ढूंढने में, तलाश करने में मैं इनका साथ देती हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आया एक नए एक्टर के साथ काम करके और एक मंझे हुए एक्टर के साथ। मेरे लिए तो वो नए इसलिए थे कि मैं पहली बार कर रही थी, बट वो बहुत ही मंझे हुए एक्टर हैं, लेकिन साथ ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। तो मुझे बहुत इस फिल्म को काम करके मज़ा, आमना लियास के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। तो अधूर प्रोडक्शन ने जो टीम है, इसने बहुत जो हमें सेट पे खाने पीने को कुछ भी चाहिए, बहुत पैम्पर करते थे हमें, क्योंकि थोड़ी लोकेशंस जो हैं तो इसकी थोड़ी रफ टफ भी थी। जो मेरा ऑफिस का था वो बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल था वो ऑफिस में काम करना। पहले तो उसको साफ़ करवाया, क्योंकि वो जो पुराना 90s की जगह दिखाना था तो वो हमें मिल गया। तो शोएब सुल्तान ने बहुत मेहनत की, इनके जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। इट्स अ टीम वर्क, तो ये सारा क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। रेशम जी, तो इसमें आपने जो एज एन जर्नलिस्ट परफॉर्मेंस दी है, आप एक नए अवतार को नजर आए। यस, 15 साल के बाद ये अवतार खुद के ऊपर कैसा लगा? बहुत अच्छा। 15 साल में मैंने काम ज़रूर किया, बड़ी स्क्रीन पे नहीं किया, बट मैंने छोटी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने मनोज सलवा भी किया, उमर अहमद का लिखा हुआ, मैंने हर चैनल पे मैंने सुपर हिट सीरीज दिए, मैंने फसीबली खान का लिखा हुआ मोहब्बत जाय भाड़ में किया, मैंने आश्ती किया हमायूं सईद के साथ, बहुत सीरियल्स जो मेरे मतलब एक फ़िल्म की जो कामयाबी होती है उससे ज़्यादा कामयाबी टेलीविज़न पे भी मुझे मिली। लेकिन फ़िल्म जो है उसमें मैंने मुझे क्योंकि कोई अच्छा कैरेक्टर मुझे इससे इंस्पायर नहीं किया, तो वो गुंजल थी। तो गुंजल का किरदार देखें, अगर मैं 15 साल बाद कर रही हूँ तो फिर कैसा होगा, और प्लीज़ ये लोग आके देखेंगे, उनको आकर देखना पड़ेगा और तब उनको पता चलेगा कि रेशम इस किरदार को करने में कामयाब हुई कि नहीं। क्या आप अपने किरदार का मार्क छोड़ेंगी लोगों तक? इंशाल्लाह। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वुमन का कैरेक्टर किया, बहुत ही अथॉरिटेटिव है और ये हक और सच की बात करती है, और ऐसे लोगों को मुश्किलें बहुत पेश आती हैं, सामना मुश्किलों का करना पड़ता है, लेकिन ये लोग कभी हार नहीं मानते। तो मैंने एक बहुत ही एक आज की एक स्ट्रॉन्ग औरत का मैंने किरदार अदा किया। मैं बार बार स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे ऐसी ज़िंदगी में लम्हे आते हैं औरत की ज़िंदगी में जहाँ औरत कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर अब औरत ख़ुद ही अपने आप को उठाती है और ख़ुद ही को वो मजबूत बनाती है। कुछ बताएं इस कैरेक्टर के बारे में, डिफाइन करें। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग स्क्रीन पर आकर देखें। सब कुछ बता दिया तो आकर लोग फिर कैसे देखेंगे। डायरेक्टर कितने कोऑपरेटिव थे आपके साथ इस प्रोजेक्ट में? मैं कहती हूँ कि वो हर रोज़ मुझे किरदार को इस तरह से ब्रीफ करते थे कि मैं इस किरदार से काफ़ी दिन निकल ही नहीं पाई, सरवत के किरदार से मैं निकल नहीं पाई। वो रोज़ बताते थे कि सरवत ये है, सरवत ये है, सरवत। उनकी जो ब्रीफिंग थी वो मुझे एक एक मोटिवेशन देती थी। तो वो बहुत टैलेंटेड इंसान है और मैंने इनके साथ पहले भी एक फिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म की थी लॉन्ग डिस्टेंस, शोएब साहब के साथ। बहुत अच्छे फोकस्ड हैं और बड़ा होमवर्क करके आते हैं सेट पे। तो बाकी आई होप ये कोई आर्ट एंड क्राफ्ट मूवी क्या लोगों के दिल दिमाग में इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? क्या गुंजन ये काम कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? मेरी बात सुने, ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस इसको किस तरह से देखती है। मैंने पीछे इतनी कमर्शियल फिल्म देखी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर एक दिन भी नहीं चली, टू बी ऑनेस्ट। उन फिल्मों में कोई कंटेंट नहीं था, उसमें गाने भी थे, उसमें अदाएँ भी थीं जो कि काम ना कर सकें। तो बात है कि लोग कमर्शियल फिल्म में वो देखना चाहते हैं जिसमें एक वेल डायरेक्टेड हो, जिसमें स्क्रिप्ट हो, जिसका म्यूज़िक भी दिल को भाए, कानों को अच्छा लगे, आँखों को गाने अच्छे पिक्चराइज हुए अच्छे लगे, अदाएँ हों, तो तभी फिल्म ऐसी कामयाब होती है। हमने बहुत ज़्यादा फिल्म कमर्शियल फिल्मों में काम भी किया है। तो गुंजल जो है हिस्टोरिकल है, ये थ्रिलर है, इसमें एंटरटेनमेंट है। जहाँ चाइल्ड लेबर की बात की गई है तो वहाँ पर इसमें एंटरटेनमेंट जो तमाम एलिमेंट्स फिल्म में होते हैं वो हैं। तो क्या हमें रेशम इस मूवी के अंदर इंस्पायर कर पा रही है? एज एन रेशम इंस्पायर कर पा रही है? क्यों नहीं, मैंने मेहनत बहुत की है। और मैं आपको बताऊँ कि रेशम स्क्रीन पर नजर, रेशम ने किरदार किया, सरवत आपको नज़र आएगी और सरवत इंशाल्लाह स्क्रीन पर कामयाब होगी। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है? क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। मुझे नहीं पता था कि जुल्म इतना अंधा होगा।